तो एवरीवन, मैं प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, इस सेशन में हम खेल जगत से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 होगा और मैं आपको बता दूं कि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा यूनिक होंगे और पहला नंबर प्रश्न है, आगा खप कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल के साथ है? और बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं। वेरी गुड गाइज, बहुत ही बढ़िया। आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। आगा खप कप एक राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता है, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है बच्चों, रंगास्वामी कप, अलजान शाह कप, लेडी रत्न, टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, कप्पू स्वामी ट्रॉफी जैसे प्रतियोगिताओं का संबंध भी हॉकी से है। इसके अलावा मैंने जो नाम बताए इनका भी संबंध भी हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, रूप सिंह। जर्मन लोगों ने 1936 में ओलंपिक खेलों में रूप सिंह के खेल से प्रसन्न होकर जर्मनी की एक सड़क का नाम उनके नाम पे रख दिया। चलते प्रश्न नेक्स्ट की तरफ, थ्री नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एमस्टर्डम ओलंपिक 1928 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह बच्चों, ठीक है। एमस्टर्डम ओलंपिक 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंचकर सुपर ग्रैंड मास्टर बन गई? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्पी कुनेरू। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं बच्चों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, ठीक है बच्चों। चलते हैं प्रश्न मनुष्य की तरफ, शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत से हुई थी बच्चों। शतरंज की शुरुआत भारत में गुप्त साम्राज्य काल से हुई थी, इसका विस्तार भारत से फारस तक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पहले मेजबान देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता था? और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने बच्चों। श्रीलंका ने 1996 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराकर विश्व कप जीता था। चलते प्रश्न मनुष्य की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम से पराजित वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान कौन थे? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव लॉयड। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर, सभी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक बच्चों, रणजी ट्रॉफी का संबंध है, रणजी ट्रॉफी का संबंध बच्चों किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से है बच्चों। चलते प्रश्न मनीष की तरफ, विश्व टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 418 रनों का लक्ष्य हासिल कर किस टीम ने इतिहास रचा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, पहला विश्व क्रिकेट कप कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विकेटों के दोनों छोरों में परस्पर दूरी कितनी होती है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 गज की दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों,
क्रिकेट के बल्ले की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की बल्ले की अनुमानित लंबाई पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 38 इंच। नेक्स्ट पर देख लेते हैं, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है बच्चों? तो बीमर कब किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट से। बीमर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। यदि गेंद बिना टप्पा लिए गेंदबाज की कमर के ऊपर ऊंची रहे तो उसे बीमर कहते हैं। नेक्स्ट पर देख लेते हैं बच्चों, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है। बच्चों चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। जब बाएं हाथ का ऑफ स्पिनर उंगलियों के बजाय कलाई से गेंद को घुमाकर दाएं हाथ के बल्लेबाज को फेंकता है तो वह चाइना मैन कहलाता है। ओके, निम्नलिखित में से किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक शतक बनाए हैं? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर ने। बच्चों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके बताएंगे कि किसने बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव को। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वह 1983 में विश्व कप विजेता टीम के कप्तान भी थे। 1983 में जो विश्व कप हुआ था, 1983 में उसके कप्तान भी थे। किसी भी गेंद को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कोण क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री 36। ओके बच्चों चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहला शतक किसने लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला अमरनाथ ने लगाया था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न बच्चों, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वप्रथम 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव ही थे। कपिल देव पहले गेंदबाज थे जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 200 विकेट प्राप्त किए थे। सभी प्रश्न टॉप लेवल के हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से बच्चों किस लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सोलिक्स। ठीक है बच्चों, सोलिक्स का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए होता है। यह विल्लो की एक प्रजाति है, ठीक है बच्चों, जो मूल रूप से यूरोप एवं पश्चिम एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है बच्चों, देख लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरभजन सिंह। ठीक है बच्चों, हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे। 11 मार्च 2001 को ईडन गार्डन में लगातार रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉन का विकेट लेकर उन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विश्व कप विजेता टीम का सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, किसी विश्व कप विजेता टीम का सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, पेले। ठीक है बच्चों, नॉर्मन व्हाइटसाइड सबसे युवा फुटबॉल खिलाड़ी हैं, परंतु पेले, ठीक है बच्चों, नॉर्मन व्हाइटसाइड जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, परंतु पेले 1958 के विश्व कप विजेता टीम ब्राजील का सबसे युवा खिलाड़ी है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये थे 25 प्रश्न। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट टीचर को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर लाइक नहीं किया है, लाइक करना भूल कर लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।